तुम्हारा साथी कभी राम के लिए हेल्दी नहीं था। इसे घूर के देखने से गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। हम ऑनेस्टली तुम्हें फैक्ट्स बता रहे हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए वेदिका। ऑनेस्टली निहायती बदतमीज हो तुम लोग। तुम्हारी तरह अपने सपनों की दुनिया में रहने से अच्छा मैं बदतमीज ही ठीक हूँ। वेदिका राम को अपने घर जाने के लिए मना करती है और इसलिए वह मान जाता है। वेदिका राम के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित हो जाती है, लेकिन जब वह आदित्य और वृंदा को अपने दरवाजे पर देखती है तो उसे बड़ा झटका लगता है, जिससे वह निराश हो जाती है। राम नंदिनी और वेदिका को अपनी ही योजना में फंसा लेता है। राम को अपनी योजना का सच बताते ही प्रिया चौंक जाती है। क्या नंदिनी और वेदिका अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएंगी? आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट में बताएं।